कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को अपने नाम और पहचान लिखने वाले फरमान पर सियासत तेज है। अखिलेश यादव ने गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते जैसे नाम का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया पर मैसेज डाला कि ऐसे नामों का क्या। उन्होंने प्रशासन की मंशा पर सवाल उठाते हुए कोर्ट से इस मामले में संज्ञान लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव का ये ट्वीट लगातार अखिलेश यादव हमलावर हैं बीजेपी पर और उनका कहना है कि सौहार्दपूर्ण माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। दुकान ठेले मालिकों को नाम लिखने का आदेश दिया गया है कांवड़ यात्रा के दौरान। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अब एक के बाद एक जो अखिलेश के ट्वीट है वो इसी तरह सियासत भी खड़ा कर रहे हैं। यहाँ पर वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा जो रूट है वहां पर इस तरह नाम लिखने का आदेश क्यों दिया गया। देखिए बिल्कुल, इसको देख लेकर के राजनीति बहुत तेज हो गई उत्तर प्रदेश में और इस आदेश को जब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो ये आपत्तियां आ रही हैं। बात यह है कि जिस तरीके से कांवड़ यात्रा के दौरान जो वैकल्पिक दुकानें लगती हैं वहां पर जो उनका नाम होता है वो भ्रामक ना हो, इस बात को लेकर के ये सर्कुलर जारी किया गया था। मुजफ्फरनगर में जब ये इम्प्लीमेंट हुआ तो वहां पर आपत्तियां आ रही हैं, अलग अलग क्षेत्रों में भी आ रही है और राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो इस पर विपक्ष भी सवाल कर रहा है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और AIIMM समेत तमाम अन्य लोग भी इस पर सवाल कर रहे हैं कि अगर जब दुकानें पहले से बनी होती है, उनका लाइसेंस होता है, उसका नोटिफिकेशन प्रशासन के पास होता है, तो ये नाम को लेकर के आखिर नोटिफिकेशन दिया जा रहा है। हालांकि सरकार का पक्ष है कि एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। पहले भी ऐसे वाकई हुए हैं जब कांवड़ यात्रा के दौरान जब कांवड़िया निकलते हैं, वहां से कोई सामान खरीदते हैं, कहीं पर बैठ के खाते हैं, तो वहां पर भ्रामक नाम होने के चलते उनकी भावनाएं आहत हो जाती है। तो इसी के कारण इस सर्कुलर को जारी किया गया था, लेकिन इस पर आपत्ति हो रही है, कोर्ट जाने की बात हो रही है और इसको लेकर के जो है अब राजनीतिक माहौल भी बन रहा है। अखिलेश यादव ने भी इस पर सवाल किए हैं और एक तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का जो आरोप विपक्ष जो है वो सरकार पर लगा रहा है। लेकिन सरकार के मंत्री ने बातचीत की, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हमने मुहर्रम में भी इंतजाम किए थे, हम कांवड़ यात्रा के भी इंतजाम कर रहे हैं और बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों की सामंजस्य के साथ काम हो रहा है। ऐसे में उन्हें नहीं लगता कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन विपक्ष जरूर इस पूरे मामले पर हावी होता दिखाई दे रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका अभिषेक। तो कांवड़ यात्रा रूट पर नाम वाले फरमान पर विवाद खड़ा हो गया। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि आखिरकार ऐसे फरमान की क्या जरूरत है, सामाजिक सौहार्द इससे बिगड़ेगा, इस तरह के आदेश जो है वो ठीक नहीं है समाज के लिए और उनके हित के लिए। तो अदालत से संज्ञान लेने की गुजारिश यहां पर अखिलेश यादव कर रहे हैं। देखिए कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खानपान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो, इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है। भारत का संविधान सबको इजाजत देता है कि हर नागरिक अपनी पहचान के साथ अपने प्रतिष्ठान खोल सकता है, अपनी पहचान के साथ अपना व्यापार व्यवसाय कर सकता है। लेकिन अगर कोई अपनी पहचान को छुपा करके, बरगला करके अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की चेष्टा कर रहा है तो निश्चित तौर पर यह गंभीर मसला बनता है। स्थानीय स्तर पर इस तरह की कई सारी शिकायतें आ रही थी, विशेष करके श्रावण मास में जब कांवड़ यात्रा चलती है तो कैसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा सके, इसके लिए नाम बदल करके प्रतिष्ठान बनाए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर इन शिकायतों को गंभीरता से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सरकार ऐसे मामलों को गंभीरता से कार्रवाई करेगी, संज्ञान लेगी और किसी को इस बात की इजाजत नहीं दे सकते कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार कांवड़ यात्रा के दौरान ही ऐसा आदेश क्यों दिया गया है, उसी रूट पर ये फरमान क्यों है, दुकान ठेलों पर लगे नाम उसको लेकर अब सवाल जो उठ रहे हैं वो सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से इसी वक्त क्यों उठाए जा रहे हैं, इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल है। तो मुजफ्फरनगर में जो दुकान और ठेले हैं उन पर जो बोर्ड लगे हुए हैं वो आमतौर पर रूट होता है कांवड़ यात्रा का, ये ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें रेड़ी पटरी वाले भी अब अपना नाम लिखने लगे हैं। नाम के साथ उन्होंने अपना जो काम है वो लिख रखा है, क्या बेचते हैं वो ये लिख रखा है
और इसी तरीके से तमाम अन्य ढाबे और जो ईटिंग पॉइंट्स हैं उस पर भी नाम लिखने का फरमान है।